चेतना यात्रा का छाता विधानसभा में हुआ भव्य स्वागत। कोसी उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा द्वारा संपूर्ण ब्रजमंडल में निकाली जा रही विप्र चेतना यात्रा का आज अंतिम चरण में छाता विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पुष्प वर्षा एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कोसी नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजवीर दीक्षित, अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज, आशीष चतुर्वेदी, जिला महामंत्री भानु भारद्वाज, भारत शर्मा, महिला सभा की प्रियंका उपाध्याय, ब्रजेश दत्त भारद्वाज, बालकिशन दीक्षित, चंद्रशेखर गौड़ आदि विप्र बंधु बंधुओं को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। संस्थापक अध्यक्ष राजेश पाठक एवं जिला अध्यक्ष दीपक कौशिक ने बताया कि विप्र चेतना यात्रा शुभारंभ 27 सितंबर को मथुरा वृंदावन से हुआ है। इसी क्रम में आज यात्रा कोसी कला से स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंची। बताया कि यह यात्रा प्रमुख रूप से संपूर्ण ब्रजमंडल को तीर्थ स्थल घोषित कराने एवं ब्राह्मणों को एकजुट करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। ब्राह्मण सभा के संरक्षक रमेश दत्त शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण हमेशा से ही सर्व समाज को साथ लेकर चलना है। कहा कि गोवर्धन चौक पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगनी चाहिए, यह विगत 15 वर्षों से प्रस्तावित है। प्रवक्ता बिहारी लाल वशिष्ठ ने ब्राह्मणों पर हो रहे अपराधों के निंदा की और कहा कि सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। संपूर्ण ब्रजमंडल में अंडा मांस एवं शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ब्रह्मा कीर्ति रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगेंद्र भारद्वाज ने बताया कि संगठनों एवं गोत्रों में बांटना ब्राह्मण समाज के लिए अत्यंत घातक है। संयुक्त स्वाभिमान की रक्षा हेतु इस यात्रा का आयोजन किया गया है। हम सभी को संगठित होकर अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। I'm good.